स्वागत है भैया बहुत बहुत धन्यवाद पीछे गंगा मैया सामने भोले बाबा प्रणाम है प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कैसे यहाँ पहुंचा बताता हूँ आपको दमदार बनारसी जी का फोन आया कि गुरु महामूर्ख कब सम्मेलन में तो का आवक है तो हम कहे यार महामूर्ख सम्मेलन तो बहुत बड़ा कब सम्मेलन है वहां तो बड़े बड़े कभी आवत हैं सब बहुत बड़े बड़े कभी महंगे कभी सब आवत हैं कहीं क्या करें गुरु अब की चुनाव में बिजी रहले, तो चंदवा सन तो नहीं दहले, तो अब की सब झंडुआ कभी बोला नंबर है छुट्टी तो लगाए छुट्टी लगाए वो अधिकारी पूछे भाई काहे छुट्टी तुमका काहे चाहिए क्या करने जाओगे बनारस तो हम कहे कि साहब मूर्ख बनने हम कहे साहब मूर्ख बनने जाएंगे बनारस तो कहे तो वहां जाए का जरूरत है भाई तो का <laughs> दसवीं में दसवीं बार फेल होने पर पढ़ाई बहुत मेहनत से हमने किया है दस बार दसवीं का इम्तहान दिया है क्या बात है समझ जाए जहाँ वहां ताली बजा दीजिएगा दसवीं में दसवीं बार फेल होने पर पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख पूरे शहर में फर्स्ट आई है वाह मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं अरे उसी लड़की देख देख के दे तो हम दस साल से फेल हुए हे, क्या बात है जहां जहां तक पहुंचे ताली बजाते रहिएगा कि सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया क्यों आते हो स्कूल उन्होंने पूछा तो मैंने बताया आप तो गुरु जी केवल खुरपेज के लिए जाने जाते हैं हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं उन्होंने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो मैंने कहा गुरु जी तुम्हारी बुद्धि सठी आई है और ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है जैसे कब सम्मेलन आप लोग कर, कराते हो ऐसा नहीं कि कब सम्मेलन आप ही लोग कराते हो हमने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया क्या क्या हुआ बताता हूं आपको सारे महंगे महंगे कभी बुलवा लिए गए किसी का बीस हजार किसी का पचीस हजार किसी का पचास हजार जिसने जो मांगा संचालन के लिए दमदार भैया बुला लिया एनहू बीस हजार मांगे <laughs> वैसे भैया भैया कहते हैं मांगे अब हमने कहा आओ भाई पढ़ो कविता सारे लोग आ गए बहुत अच्छा मुशायरा बहुत अच्छा, अच्छा, अच्छा कब सम्मेलन सारी रात थाने पर चलता रहा जब सवेरा हुआ कार्यक्रम संपन्न हो गया हमने सबका जिसका बीस हजार जिसका पच्चीस हजार जिसका पचास जिसका जो पेमेंट था सबका उसके हाथ पे रख दिया रख दिया तो सबने बड़ी तारीफ की सबने कहा कि लोग पुलिस को गलत बदनाम करते हैं कि पैसा नहीं देती पेमेंट मार लेती ये कर लेती वो कल देखिए इंस्पेक्टर साहब इतने अच्छे हैं सबका पेमेंट कर दिया हमने कहा दादा लोग बदनाम करते हैं हम ऐसे नेचर के नहीं हैं आप अपना पैसा लीजिए पूरा पूरा तो फिर ये कहने लगे क्या हम अब जा सकते हैं यहां से <laughs> कहे क्या आप हम यहाँ से जा सकते हैं अरे हम के दादा बिल्कुल जाओ आप लोग आगे चौराहा पड़ता था अरे हर जगह चौराहा है वहां हमने चेकिंग लगवा दिया अब जिसके पास कागज नहीं था जिसके पास जो नहीं था वो सब पकड़े गए हमने जब दमदार बनारसी थोड़ा साइड हटा के इनकी गाड़ी तलाशी ली तो एक कट्टा भी मिल गया ये रोने लगे कहीं भैया ये पिस्टल हमारी नहीं है पिस्टल हमारा क्या काम हम तो कविता पढ़ रहे हम कहे ना ना भैया तुम रात में पढ़ रहे थे कि जो है पिस्तौल से जो है जो अपराधियों को उड़ा दूंगा अपराधियों को उड़ा दूंगा तो जब रात में पढ़ रहे थे तो, तो सुबह देना पड़ेगा तो, जो लिए थे भाई साहब एक एक पैसा प्रेम पूर्वक वापस कर दिए जब वापस कर दिए तो हमसे कहने लगे कि दादा बड़ा अच्छा किया आपने पैसा दिया भी ले भी लिया तो आप ये बता दीजिए कि जब आपको पैसा वापस ही लेना था तो दिया क्यों था हम कहें भैया देखो ऐसा है जो दिए थे वो हमारा फर्ज था <laughs> और जो लिए ही हमारा धंधा है <laughs> 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 बहुत अच्छे आप लोग बनारस के लोग अरे गुरु आप आप थाने में रामलीला भी तो आ, करा दो आप लोग बनारस के लोग जे का जो चाहो बना दो यहाँ से बहुत, बहुत बहुत लोग हिट हो गए कहाँ कहाँ ना पहुंच गए तो का एक धर्मराजे राजे ने पहुंची है आगे एक बार जरा आप लोग समर्थन दे दो तो, बस आगे फिर बढ़ा दी मामला हम भागत हाँ भागत है, राम था। थाने रामलीला फरमाइश था। है कि मैं बताओ कोतवाल मैंने थाने में रामलीला करा दी मैंने अपना पैर पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था कलाकारों के लिए मैंने भानमती का का जोड़ा था कहीं का कहीं का रोड़ा था कहीं कहीं रोड़ा मेरी पत्नी जी कही कही और मैं राजा दशरथ बना था एक तो राजा दूसरे कोतवाल इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी क्या बात है वाह उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए अरे दस बीस बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए क्या बात थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे सात दिन की छुट्टी दिलवाओ क्या बात है वाह 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 इस बार की रामलीला में, में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी दी बीच रास्ते से ही फरार हो गया अच्छा तारीफ हमारी किया कविता की बहादुर नहीं बताए हम दर्ती भाई कप्तान साहब ने कहा कुछ काम करोगे हमने कहा हाँ सरकार काम करेंगे उन्होंने कहा ये लाख का इनामिया बदमाश है मलखान इसको पकड़ लाओ या कुछ जानकारी ले आओ मैं दिन बाद उनके पास गया कहे भाई पकड़ लाए मलखान को तुम लाख का इनामिया हमने कहा था पकड़ तो नहीं पाए हैं तो कहते फिर हमने कहा लेकिन उसके दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों के निशान लेकर के सर मैं आया हूं क्या बात है क्या बात बहुत है। बहुत खुश हो गए बहुत खुश हुए कह शाबाश बेटा तुमने बहुत ऊंचा काम कर दिया कोई नहीं कर पाया तुमने कर दिया अच्छा आप बताओ उसके दाहिने हाथ की पांचों उंगली एक निशान कहां पर है हमने कहा सर मेरे बाए है अभी मैं होली के ड्यूटी पर जा रहा था हम <laughs> मार के भगाओ दादा कहते हैं हमका हटी का एक बार ताली आप लोग बजाओ तो हम आगे बताओ <laughs> बहुत सच्ची घटना बता रहे हैं आपका होली ड्यूटी में जा रहा था एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी गांव किनारे एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी हमने गांव वाले से पूछा हमने कहा कैसे टूट गई हमने कहा साइकिल कैसे टूट गई होली के हृदंग में उसने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं जो उसने कहा वो मैं बता रहा हूँ स्वागत हमारा और कोई मतलब नहीं उसने कहा कि पांच साल तक चली बराबर दिया न फिर भी छूट पांच साल तक चली बराबर दिया न फिर भी छूट बुलडोजर चढ़ गई साइकिल गई बेचारी सारा रा 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 एक, एक चच्चा कहे कि अगर सरकार रिपीट हो गई तो हम प्रदेश छोड़ देंगे कहीं और बस जाएंगे ये जितने आप कभी देखते हो ये कोई अच्छे आदमी नहीं है अच्छा गुरु आ, अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बनी बनना आप भी लपेट दिए जाते तो ये कोई कभी अच्छे नहीं है एक भी व्यक्ति ने उनसे नहीं कहा कि ना जाओ सबने कहा किसी ने टिकट भेजा किसी ने बस का टिकट भेजा किसी ने कहा कि आप सरकार रिपीट हो गई चले जाओ हमने रिक्वेस्ट किया कि न जाओ और उसको जो है सब लोगों ने पूरे प्रदेश में पसंद किया आप लोग भी मोहर मार देंगे तो मजा आ जाएगा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमने कहा न चली लाठी न चली लाठी और न चली गोली कहो तो ना जाओ चचा कोई कुछ न बोली <laughs> तुम्हारे बात का कोई बुरा नहीं मानत है चटक गए हो सबे कोई जानत है तुम्हारे बात का कोई बुरा नहीं मानत है चटक गए हो सभे कोई जानत है और हिए करो ईद हिए खेलो होली कहो न जाओ चच्चा, कोई कुछ न बोली। कहो न जाओ, जाओ चच्चा, कोई कुछु न बोली। हम समय हमें लागत है बहुत होएगा तिधर आप लोग एक बार ताली बजाए तो हम बैठ जाए भाई अरे एक थे और एक थे अरे हम तो घंटा भर सुन चाहिए एक एक चलिए एक और सुना देता हूँ आप लोगों को पुलिस तिरौरी भी गजब हो गया पिछली रात में सुनिएगा गजब हो गया पिछली रात में एक कैदी मर गया थाने की हवालात में क्या बात है मुसीबत भारी क्या क्या बताएं जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था सिपाहियों ने कहा नहीं साहब ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था मगर इसे कोतवाल साहब ने सारी रात अपनी कविता सुनाया था बहुत <laughs> अच्छे हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है मर गया कह दिया इनकी कविता का प्रकोप है कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा बहुत सुनाते हो कविता सबका मजा एक साथ मिलेगा मैंने कहा हुजूर मैंने कहा हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं एडवांस नहीं मैं पहुंच रहा हूँ <laughs> मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं और मेरे हुजूर बुरा ना माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं बहुत बहुत। मेरी बात सुनकर कप्तान साहब ने कहा कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है कविता विता रहने दे पगले तू मुझे निर्दोष नजर आता है तू मुझे निर्दोष नजर आता है क्या बात है, है।, है? 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 श्री कृष्ण जी सपने में आ गए मेरे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और लोगों के सपने में आए हैं आए नहीं आए बता भाई आए उन्होंने कहा अवतार लेना चाहते हैं हमने कहा प्रभु ना आइए अवतारण एक तो आपने वैसे गलत कर दिया कहीं क्या गलत कर दिया हमने कहा आपने कहा कि मतलब जो है ऐसे ऐसे, ऐसे बन जाओगे और वो बने नहीं कहीं बताइए आप वो झूठ बोल रहे हैं कि आपने जो है कहा नहीं था उन्होंने कहा नहीं वो भी सच बोल रहे हैं हम भी आए थे हमने ये कहा था कि आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा अब वो समझे कि पूरी कैबिनेट हमारी होगी तो हमारी क्या गलती <laughs> तो हमने कहा कि प्रभु मत आइए कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा बात है। कदम की ठंडी छाव भूल जाओगे कान्हा गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा और चाकू सा रखाए यहाँ घूमती है गोपियां तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा और गली गली मुरली बजाना न कान यब, एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा जिंदाबाद 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 जय भारत सबका प्रणाम एक तरफ से भाई बहुत बहुत बधाई धन्यवाद और एक चीज जानिए गए कि जस हम तस हमका बला हो वाले और तैसे आप बोलो